रेंज फंक्शन कैसे काम करता है उसकी एक झलक देखिए। यहाँ पर रेंज फंक्शन मैंने यूज किया और इसके अंदर मैंने चलिए यहाँ पे 6 असाइन कर देता हूं, तो इसमें 6 रख दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर फॉर आई इन नम, नम यहां पे लिया है हमने और यहां पे आई को प्रिंट करा रहा हूं, न कि नम को प्रिंट करा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं इसको चलाता हूं, ये देखिए यहां से इसको सेव करूंगा और यहां पे op.py के नाम से सेव कर देता हूं, तो ये सेव हो गया। आप ये देख सकते हैं ना कि यहां पर 0 to 5 प्रिंट हो रहा है, ना कि 6 प्रिंट हो रहा है। देखिए रेंज का जो काम है ना, बिल्कुल वही ये करके दे रहा है।